सक्षम प्रोग्राम सेंटर सरस्वती और रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, अकाउंटेंट जीएसटी ट्रेडर। आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया था लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब जो भी डेटा हमारा ट्रायल बैलेंस में गया है, ट्रायल बैलेंस से डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और उससे देखे जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है हमारा बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट को फर्दर हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों के अलग अलग मीनिंग है, दोनों के अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग तरह से इनमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा पार्ट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितनी भी हमारी असेट्स और लायबिलिटीज है, जो भी हमारी लायबिलिटीज का बैलेंस है, जो भी हमारे असेट्स का बैलेंस है, वो हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पहले दो पार्ट में डिवाइड होंगे, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फर्दर जो इनकम स्टेटमेंट है उसके दो टुकड़े में करने होते हैं, दो रिपोर्टें बनती है इनकम स्टेटमेंट में, पहली होती है ट्रेडिंग और दूसरी बनती है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, किस तरह से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, कौन कौन से डेटा है जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह का होता है? सबसे पहले आता है पार्टिकुलर्स। दूसरा कॉलम होगा हमारा अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर दोनों चीजें अगेन रिपीट होंगी हमारे लिए, पर्टिकुलर एंड अगेन अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमारा कब बनेगा? ईयर एंड पे हम लोग इंग्लिश से बनाते हैं, तो हम इसे लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी आपका ईयर एंडिंग है, मान लीजिए 31 मार्च 2020 है, हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कुछ इस तरह का ही फॉर्मेट है, पहले पार्टिकुलर फिर अमाउंट फिर पार्टिकुलर फिर अमाउंट। ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड। अब मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक चीज आपको ध्यान में रखना कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो होता है गुड्स के लिए, ऑनली फॉर गुड्स। गुड्स से रिलेटेड जो भी डेटाज है, जो भी परचेज सेल है, ऑप्टिंग क्लोजिंग स्टॉक है, वो चीजें सारी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट पे रिकॉर्ड होती है। स्पेस लाइफ है गुड्स के लिए, ऑनली फॉर गुड्स। कितने का माल हमारे पास आया, कितने का हमने बेच दिया, बेचे गए माल की लागत क्या थी, ये सब चीजें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने का माल हम लोगों ने बेचा, जो भी माल हम लोगों ने बेचा है, जो भी माल हम लोगों ने सेल किया है, उसके लागत कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना था, देन सेल्स कितनी रही। तो सेल्स में से जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो लेस करने के बाद आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ऑनली फॉर गुड्स, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड डेटा हम लोग इसमें मेंटेन करेंगे।
चीन तो इसमें हो गया हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी माल हमने बेचा है, जो भी हमने सेल करी है, उस माल की लागत कितनी थी। दूसरी चीज हमारी सेल, प्रोडक्ट सेल हमारी कितनी हुई। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कीमत को घटाने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। किस तरह से बनेगा डेटा, सब लोग कैसे पोस्ट करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए ईयर की बिगनिंग पे जब भी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ एक अप्रैल को, उस दिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, बचा हुआ जो माल था थोड़ा 5,000 रुपए, ठीक है। 5,000 रुपए का माल हमारे पास बिगनिंग में था, साल के पहले दिन था। फिर कुछ परचेजेस हम लोगों ने करी, परचेजेस हम लोगों की हुई 20,000 रुपए। 20,000 रुपए की जो परचेज हमारी हुई उसमें से कुछ माल हमने रिटर्न कर दिया, लौटा दिया, परचेज रिटर्न। ये हो गई हमारी 2,000 रुपए। तो नेट जो हमारी परचेज यहां पे बची वो 18,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहले के वीडियोस में शायद मैंने बताया भी होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है। किसी भी माल को बनाने में, मान लीजिए वो ट्रेडिंग फर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, सिर्फ खरीद बिक्री करती है, तो उस माल को बाजार से खरीद करके अपने गोदाम या दुकान तक लाने में जो भी खर्चे होंगे वो सब खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बनाती है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उस माल को बनाने में जो मजदूरी लग रही है, वेजेस है, वो सब चीजें। माल को अगर हम लोग परचेज करके अपने गोदाम तक, अपनी दुकान तक लाते हैं, तो फ्रेट इन्वॉल्व या कैरियर इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीजें हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाती है। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वेजेस, कोई मजदूरी लग गई, कैरियर इनवॉइस। इनवॉइस हमने नाम इसलिए दे दिया क्योंकि ये हमारा परचेज पे चार्ज हो रहा है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे 2,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक का 5,000, नेट परचेजेस जो भी परचेजेस हम लोगों ने करी उसमें से परचेज रिटर्न लेस करने के बाद में आया हमारा 18,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे इनकर हुए 2,000। अब जो सेल की एक्टिविटीज हम लोगों ने करी, जो माल हम लोगों ने बेच दिया, उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास कुछ माल स्टॉक में बच गया, जो भी माल हम लोगों ने खरीदा, जो माल हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में था, कुछ माल सेल करने के बाद में हमारे पास ईयर एंड में में कुछ माल रहेगा, और वो माल का वैल्यू हम लोग लेते हैं 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का माल हमारे पास रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। ये 6,000 रुपए का माल हमारे पास अभी बचा हुआ है। अब देखिए टोटल जो हमारा पर्टिकुलर जो लोगों ने माल खरीदा है, खर्चे किए हैं, उसकी वैल्यू है 15,000 और 18,000 23,000 और 25,000। उस 25,000 के अगेंस्ट में हमारे पास जो भी माल बचा हुआ है वो 6,000 रुपए का बचा हुआ है। तो जो रेफरेंस अमाउंट है 19,000 रुपए, 19,000 रुपीज, वो माल कहाँ गया? वो माल कहाँ चला गया? वो माल हम लोगों ने बेच दिया। जो टोटल हमारा आ रहा है 25,000 आता है, 25,000 रुपए आता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में, उसके बदले में हमारे पास जो भी माल बचा हुआ है वो सिर्फ 6,000 रुपए का माल बचा हुआ है। तो जो रेफरेंस है 19,000 रुपीज, 19,000 रुपए का जो रेफरेंस है, 19,000 रुपए का माल हमारा कहाँ चला गया? 19,000 रुपए का माल हमारा सेल हो गया, हम लोगों ने उस माल को बेच दिया। तो सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे 19,000 रुपए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल को कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है उसका, कैलकुलेशन करते हुए 25,000 का आया,
उसमें 6,000 का चला गया, तो हमारे पास 19,000 का माल जो है वो शॉर्ट हो गया। जो बीमार हमने बेचा उसकी जो कीमत आई वो 19,000 आई। फॉर्मूले में अगर इसको हम लोग डालते हैं तो फॉर्मूला है इसका ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कीमत। अब वैल्यूज पुट करते जाइए, ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ हमारा 5,000, नेट परचेज हमारी कितनी हो रही है 18,000 का आ रहा है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हमारे 2,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमारा हुआ 6,000। कैलकुलेट करते हैं 5 × 18 = 23 × 25 माइनस 6,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक और ये आ गया हमारा 19,000। तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 19,000 19,000। अब 19,000 रुपए का जो माल हमने बेचा है, 19,000 रुपए का जो माल हमारे पास से गया, 19,000 रुपए जो हमारी लागत की माल थी, उस माल को हमने अब कितने में बेचा, 19 में भी बेचा हो सकता है, 19 से कम या 19,000 से ज्यादा में भी बेचा हो सकता है। हम मान लेते हैं कि 24,000 रुपए में हमने उस माल को बेचा, जो सेल्स हुई वो हमारी 24,000 की हुई बाय सेल्स अकाउंट। ₹24,000 की जो सेल हुई उसमें से 1,000 का हमारा आ गया रिटर्न आ गया सेल्स रिटर्न 1,000 और नेट जो सेल हमारी होगी वो 23,000 23,000 रुपए की सेल हम लोगों ने यहाँ पे अर्न किया 23,000 रुपए की सेल हम लोगों की यहाँ पे हुई है अब 23,000 रुपए का लोगों ने सेल की 6,000 रुपए का हमारा क्लोजिंग स्टॉक का माल की जो टोटल हो गया हमारा 29,000, टोटल हमारी लागत आई वो आ रही है 25,000 रुपये, तो 4,000 रुपये का हमारा जो है सेल्स 23,000 हमारी आ गई माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माल जो लोगों ने बेचा है 23,000, उसकी लागत कितनी आई हमारी 19,000 रुपये। ये 4,000 रुपए का हमारा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स हमारी आ रही है 23,000 और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आया है वो आया है 19,000। तो ये 4,000 रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है टू ग्रॉस प्रॉफिट 4,000। अब देखिए दोनों टोटल आए मैच हो गए 5 × 18 = 23 तो 25 × 4 = 29 29,000 ये भी 29,000। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे जो 4,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है, ये जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी थी, जो हमारी कोर एक्टिविटी थी जिसमें हम लोगों ने कुछ सेल परचेज की, उससे हमारा 4,000 रुपए का प्रॉफिट आया है। लेकिन ये 4,000 रुपए का जो प्रॉफिट है इससे अर्न करने के लिए भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे खर्चे, जैसे कोई दुकान हो गई उसका किराया हो गया, स्टाफ रखा हुआ है, बिजली बिल है। तो ये 4,000 रुपये पूरा हमारे प्रॉफिट में नहीं आएगा, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी अदर इनकम्स है वो ऐड होंगी और जो एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमें लेस करने होंगे, तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा। तो वो जो इनकम स्टेटमेंट का स्क्रीन पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस पर हम लोग वो चीज सीखेंगे।
ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई आप लोग की क्वेरी रहती है, कोई सवाल आप लोगों के मन में है, तो आप दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से बनता है, नेट प्रॉफिट कैसे हम लोग निकालते हैं। ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, इस फॉर्मेट को आप अपनी नोटबुक में अपनी कॉपीज में बना लीजिएगा, और जो भी सरस्वती संस्थान का चैनल है उस चैनल पे आप ये वीडियोस देख सकते हैं।